एक्सरे के क्या नुकसान है, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुखिल, आप देख रहे हैं पॉक्सीटेक्स और आज के इस वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अठारह सौ 1895 के अंदर विलियम रॉन्गटन ने पहली बार एक्सरे की खोज की थी और उन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट यानी एक्सरे का यूज़ भी अपनी वाइफ के ऊपर ही किया था। उनके हाथों की ये एक्सरे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लेकिन इसके बाद में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक्सरे होती क्या है। एक्सरे एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट से पास कराया जा सकता है, इवन आपकी बॉडी से भी उसको पास किया जा सकता है। लेकिन जो एक्सरे होता है उसकी पेनिट्रेटिंग लेवल डिपेंड करती है कि वो किस तरीके के ऑब्जेक्ट से पास हो रहा है। यदि उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो उससे पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा, और यदि उसकी डेंसिटी कम है तो उससे वो आसानी से पेनिट्रेट हो सकता है। इसका मेन यूज़ मेडिसिन्स के अंदर किया जाता है। मेडिसिन्स के अंदर बोन इमेजिंग के लिए इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो एक्सरे की मदद से किस तरीके से बोन की इमेज निकाली जाती है। सबसे पहले एक्सरे के अंदर एक एक्सरे एमिटर होता है जिससे कि एक्सरेज निकलती हैं, और दूसरी तरफ एक्सरे डिटेक्टर होता है, और इन दोनों के बीच में आपके कोई भी बॉडी पार्ट को रख दिया जाता है। मान लीजिए आपका पैर ही रख दिया गया है तो उसके थ्रू ये एक्सरेज पास की जाएंगी। अब आपकी बोन्स के अंदर कैल्शियम होता है जो कि डेंसिटी बढ़ाता है आपके बोन की। वो कैल्शियम जितना ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा आपके बोन की डेंसिटी होगी, और इसी वजह से एक्सरे आपकी बोन से पास नहीं हो पाएगी। तो जब भी आप एक्सरे पास होती है आपकी बॉडी से तो उसकी वजह से वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद बोन से पास नहीं हो पाती है, यानी वो क्लियरली पूरी तरीके से उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। जबकि आपकी जो मसल्स और जो फैट होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है, और इसी वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो आसानी से पास हो जाता है, और एक्सरे यहीं पे एक जोरदार कमाल करता है। जब भी आप किसी तरीके की एक्सरे इमेज देखते हो तो आपको व्हाइट और ब्लैक कलर की चीज़ें दिखती है। अब जो व्हाइट पार्ट होता है वो वही पार्ट होता है जो कि बोन दिखती है। बोन उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी वजह से वहाँ पर वो व्हाइट लाइन आती है। जबकि जो ब्लैक पार्ट होता है वो इसलिए आता है क्योंकि वो आपकी एक्सरे पेनिट्रेट होकर वापस एक्सरे डिटेक्टर के पास में चली गई। ऑब्वियसली लंग्स में भी इसी तरीके का सीन होता है। जब लंग्स के अंदर एक्सरे डाली जाती है तो हवा के अंदर इतनी ज़्यादा डेंसिटी नहीं होती है और वो आसानी से आपके लंग्स से पास हो जाती है। जबकि किसी तरीके का कोई ट्यूमर वहाँ पे मौजूद होगा तो वो उससे पास नहीं हो पाएगा, और इसी वजह से कोई भी ट्यूमर आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो साफ साफ आपके लंग्स में दिखाई दे जाता है। तो इसी तरीके से जब भी बोन के अंदर क्रैक होता है तो वहाँ से वो जो एक्सरे होती है वो आसानी से पास हो जाती है, और हमें वो क्रैक एकदम साफ साफ विजिबल होता है एक्सरे इमेजिंग के अंदर। एक्सरे का मेन यूज़ किसी तरीके के बोन फ्रैक्चर, ट्यूमर, किडनी स्टोन या और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर यूज़ किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक्सरे की वजह से नुकसान क्या है। सबसे पहला नुकसान है प्रेग्नेंट वुमेन्स को। प्रेग्नेंट वुमेन्स को डायरेक्टली किसी तरीके का नुकसान नहीं है, लेकिन जब प्रेग्नेंट वुमेन के पेट के अंदर एक बच्चा जन्म रहा होता है या डेवलप हो रहा होता है उसके थ्रू जैसे ही एक्सरे बीम पास होगी तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, और इसी वजह से कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन यदि एक्सरे कराने जाती है तो उनको ध्यान रखना होता है कि वो किसी भी तरीके से अपने बॉडी का स्कैन होने से बचाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक्सरे रेस से बचा के रखे। जो सबसे ज़्यादा नुकसान उनको भी हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं एक्सरे के अंदर, मेनली कुछ पेशेंट जो शुरू से बीमार हो तो उनको लगातार एक्सरे की ज़रूरत पड़ती हो तो उनको सबसे ज़्यादा खतरा रह सकता है। उनको भी सबसे ज़्यादा खतरा रह सकता है जो कि हाई रेडिएशन के अंदर रहते हैं। हाई रेडिएशन की वजह से आदमी फेंट हो सकता है, उल्टी आ सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है हाई रेडिएशन एक्सरे की वजह से। ऐसे में हाई रेडिएशन एक्सरे नॉर्मल एक्सरे जहाँ मेडिकल होता है वहाँ पे यूज़ नहीं लिया जाता है, लेकिन जहाँ पे यूज़ लिया जाता है वहाँ पर भी यदि आप बार बार अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हो तो उसकी वजह से कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। और इसी वजह से आपने सुना होगा कि एक्सरे की वजह से कैंसर होने की कई घटनाएं सामने आती है, लेकिन एक्सरे से बचने के बहुत सारे उपाय हैं। इनमें कई लोगों को ये भी परेशानी रहती है कि ब्रेस्ट फीडिंग वूमेन को इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है क्या, लेकिन असल में ब्रेस्ट फीडिंग वूमेन को इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक्सरे से जब तक कि किसी तरीके का ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और जितने भी ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक पेज, वहाँ पे जाकर आप फॉलो और लाइक जरूर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। बी सेव ट्रीज़।